अभी सही है क्या? अभी सही है, साउंड आ रही है तो थम्स अप कर दो। अभी आ रही है साउंड? अभी साउंड आ रही है, पहले साउंड के लिए थम्स अप कर दो। अभी साउंड आ रही है? नो, अभी भी नहीं आ रही। आ रही है ना? हाँ चलो गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो बेटा, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर प्रगति सिंह। आई वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेंटर्स एडुसर्व। तो बेटा, नीट 2024 वरदान बैच में आप लोगों का स्वागत है। देखो, अभी लास्ट हमने फोर पार्ट कर लिया है एनिमल किंगडम का, जिसमें हमने तीनों फोरा तक कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले हेलो टू ऑल ऑफ यू। विकास कुमार जेई एस्पिरेंट हूँ, पर ठीक है ना, नॉलेज सबको होनी चाहिए। अमन, रोशन, सत्य प्रकाश गुड इवनिंग, विकास गुड इवनिंग, आदि गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखो, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये तीन फाइलम हम लोगों ने कर लिया था। देखो, पढ़ते सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बट याद रहना इम्पॉर्टेंट है ना, खास करके एनिमल किंगडम। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। तो पॉरीफेरा, आई होप कि आप लोगों को सबको याद होगा। तो पॉरीफेरा के जो फीचर्स हैं वो सबको याद है ना? राकेश गुड इवनिंग, अमन गुड इवनिंग, भास्कर गुड इवनिंग, जय वाले पागल लौंडे, चलो आई एम गुड, तुम, संजय गुड इवनिंग, रोशन, चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बच्चों, मैं यहाँ पर थी कि पढ़ाई आप लोग सब लोग करते हो, इम्पॉर्टेंट है कि जो पढ़ा है वो याद रहे। तो बेटा, पौरी फेरा आप लोग सबको याद होगा, उसमें एक ट्रिक बताया था, पौरी फेरा को हाई करना है और उसमें ट्रिपल आई आना चाहिए। पौरी फेरा को हाई करना है कितने आई के साथ? ट्रिपल आई के साथ, जहां पर एच स्टैंड फॉर हर्माफ्रोडाइट, आई स्टैंड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आई स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड आई स्टैंड फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यही चारों चीज आपको याद नहीं रहते, बाकी तो याद ही रहते हैं। उसके जो स्पॉन्जोसील है, वाटर कैनाल सिस्टम, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सबको याद रहता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो लास्ट टू थ्री लाइंस में देके रखा है। तो चीज लर्न रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकित गेमिंग, चलो हाय टू एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केल्मिन्थ्स। तो हेल्मिन्थ्स का मतलब ही क्या होता है? वर्म होता है। हेल्मिन्थ्स का मतलब ही होता है वर्म, ठीक है, मतलब कि कीड़े, ठीक है। और ये यहाँ पर प्लैटी, प्लैटी प्लेट जैसा लग रहा है ना, और प्लेट क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो यहां पर हम फ्लैट वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक जो भी फाइलम हमने पढ़ा है, चलो सबको गुड इवनिंग, पी डब्ल्यू, कुछ भी याद नहीं, कुछ याद नहीं रहता। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा तो याद होगा सबको। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं? फ्लैट वर्म्स होते हैं। इनके अंदर सारे फ्लैट वर्म्स आते हैं। और इनका नाम हम फ्लैट वर्म्स क्यों रखते हैं? क्योंकि जब तुम इनका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, मतलब इनके बॉडी को कट करके, अगर मान लो ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स है और इनके बॉडी को कट करके ऊपर से देखोगे, तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट दिखेंगे। मतलब आगे पीछे से ये राउंड ना दिख के फ्लैट दिखते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, ठीक है। दीज आर, अब देखो, इनके अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें, मतलब इनकी हैबिट कैसी है और ये कैसे जगह पर रहते हैं, तो हम हर फाइलम में थैंक यू सत्य प्रकाश, यू आर सी, हेलो युवराज, हेलो अंकित, सिलेंट्रेटा,
सीलेंट्रेटा कब आएगा? सीलेंट्रेटा हो गया अंकित, तुम इसके पिछले वाला लेक्चर चेक करो, यानी कि लेक्चर नंबर 4 सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा हो चुका है। ठीक है अंकित, गोलू गुड इवनिंग। तो चलो अब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बातें बंद करते हैं, है ना। सीलेंट्रेटा का मतलब आपको बताया था, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिनके पास होती है उन्हीं को सीलेंट्रेटा कहते हैं। लेक्चर इसके पहले का लेक्चर लगाओ, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिट का मतलब होता है कि उनका नेचर कैसा है, और हैबिटेट का मतलब होता है कि वो कैसे जगह पर रहते हैं। जैसे हमारा हैबिट क्या है कि हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और हमारा हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, हम लैंड पे रहते हैं। तो वैसे ही हम हर ऑर्गेनिज्म के हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम प्लैटी हेलमिंट्स के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या तो ये पैरासाइट होते हैं। अभी तक जो फाइलम हमने पढ़ा था, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, दे ऑल वेर एक्वेटिक। पोरीफेरा जो थे वो एक्वेटिक थे, मोस्टली मरीन वाटर में रहते थे, कुछ फ्रेश वाटर में रहते थे। सेम यही केस सीलेंट्रेटा के साथ था, बट जब तुम टीनोफोरा पे आए तो वो एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए। मतलब उनको सिर्फ नमक वाला पानी अच्छा लगता है, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि उनको बिना सॉल्ट का वाटर दे दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लैटी हेलमेंट्स। तो ये फ्री लिविंग थे, वाटर में भी रहते थे, बट ये एंडो पैरासाइट्स होते थे। पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट मतलब जो दूसरी की बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, हम उनको पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, अगर वो बॉडी पर बाहर से प्रेजेंट है जैसे कि लाइस, तो वो एक्टोपैरासाइट है, और जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, दे आर द एंडोपैरासाइट्स। तो प्लैटी हेलमेंट्स वर फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग के अंदर ये एक्वेटिक हो सकते हैं, और अगर ये पैरासाइट हैं तो दे जनरली आर एंडो पैरासाइट, मतलब ये दूसरों की बॉडी में रहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों टेप वॉर्म। अभी हम देखेंगे टेप वॉर्म क्या होता है। तो ये टेप वॉर्म कैसा होता है, जो बहुत लंबा सा होता है और फ्लैट होता है। ठीक है, तो इसका नाम टेप होती है ना, ऐसे पतली सी, इसीलिए इसका नाम टेप वॉर्म है। तो ये पैरासाइट होते हैं तुम्हारे टेप वॉर्म। और अगर तुम एक्वेटिक फ्री लिविंग की बात करो तो प्लैनेरिया जो होते हैं वो एक्वेटिक फ्री लिविंग होते हैं। और इसके अलावा फैसियोला, फैसियोला जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ये जो दोनों हैं ये तुम्हारे एंडोपैरासाइट्स हैं, और ये जो प्लैनेरिया है ये तुम्हारा फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, चलो यहाँ पर ध्यान दो, बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लैटी हेलमेंट्स के बेसिक फीचर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखो तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गया था, टिश्यू लेवल था टीनोफोरा तक, एंड फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सीन इन प्लैटी हेलमेंट्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन लेवल होगा। अगर सिमेट्री की बात करो, अगर सिमेट्री की बात करो तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। अगर इनके बॉडी प्लान की बात करो तो बॉडी प्लान कैसी होती है इनकी, ब्लाइंड सैक होती है, यानी कि एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है और वही माउथ और वही एनस का काम करता है। ये सब हमने लेक्चर 1 और 2 में सब डिस्कस कर लिया है, तो जिसने भी नहीं देखा वो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 चेक कर सकता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है। अगर सेगमेंटेशन की बात करो तो ये क्या होते हैं, ए सेगमेंटेड नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेगमेंटेड। ठीक है, इनके बॉडी में हमको सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। और अगर तुम सीलोम की बात करो, सीलोम की बात करो जो कि बॉडी कैविटी होती है, तो दे आर ए सीलोमेट, ए सीलोमेट, मतलब इनके गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में हमको कोई कैविटी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम प्लैटी हेलमेंट्स को देखो तो प्लैटी हेलमेंट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे फ्लैट से दिखते हैं ना, ऐसे फ्लैट से दिखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये इनका माउथ था और ये इनका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, तो ये इसकी बॉडी वॉल हो गई। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये इसकी बॉडी वॉल हो गई और ये इसकी गट की वॉल हो गई। ठीक है,
बट बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी ना होकर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और इस लेयर का नाम क्या होता है, मेसोडर्मल सेल्स हैं ये, ठीक है। एक्चुअली में इनका नाम पैरेन्काइमा सेल्स होता है। तो देखो यहां तुमको बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं मिल रही है, ये पूरा सेल से भरा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एसीलोमेट, ठीक है। और कौन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने और क्या बात करा था, रोशन राज, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। और अगर तुम जर्म लेयर की बात करो तो जर्म लेयर इनके पास कितने होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके पास एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ मेसोडर्म भी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या तुमने फर्स्ट टाइम देखा है, तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने फर्स्ट टाइम देखा, इसके पहले हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक मिला था, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, इसके पहले जो सारे थे पॉरीफेरा के पास तो जर्म लेयर्स ही नहीं थे, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा वे डिप्लोब्लास्टिक। तो फर्स्ट टाइम तुमने ये दोनों चीज देखा। एक और चीज हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है जो कि सिफिलाइजेशन है। तो सिफिलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ हेड, सिफिलाइजेशन होता है सर का बनना। तो सबसे पहले यही वो ऑर्गेनिज्म थे प्लैटीहेलमिंथ्स के, इसी फाइलम के ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर हेड डेवलप हुआ था। तो सिफिलाइजेशन भी फर्स्ट टाइम इसी में हुआ था। बाइलेटरल सिमेट्री भी हमें यहीं से मिलने स्टार्ट हुए, इसके पहले तो रेडियल सिमेट्री था। तो तुम खुद ही सोचो ना, जिस ऑर्गेनिज्म का सर हो जाएगा उसको तुम इक्वल टू पार्ट में एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम इस प्लेन से डिवाइड करोगे तभी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, अगर यहां से डिवाइड करो तो आधे में तो सर चला जाएगा, आधे में फूट आ जाएगा। तो सिफिलाइजेशन की वजह से ही इनकी बायलेटरल सिमेट्री पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये तो सारे थे बेसिक फीचर्स। सत्य प्रकाश नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स देखो बेटा अमन, नोट्स आपको जो टेलीग्राम चैनल है ना मेंटर्स एडुसर्व का, उस पे सारा पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा नोट्स, तो आप चेक किया करो। ठीक है, चलो ये हो गए बेसिक फीचर्स। अब हम देखो प्लैटीहेलमिंथ्स जो होते हैं उनके मेंबर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। देखो कैसे इनकी फ्लैट बॉडी होती है, बिल्कुल ऐसे पत्ते जैसा नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है इनकी डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है। ये देखो ये टेप वॉर्म है जो हम, इसका एनसीईआरटी में आपको तीन एग्जांपल्स पढ़ने हैं, टेप वॉर्म, फेसियोला लिवर फ्लूक और एक प्लेनेरिया। तो देखो ये कितने ऐसे इतने लंबे टेप होते हैं ना, इंची टेप वैसे इतने लंबे होते हैं और एकदम फ्लैट है, दिख रहा है आपको, देखो कितनी फ्लैट बॉडी है इसकी, ठीक है। अब देखो टीनिया ही तुम्हारा टेप वॉर्म है, टेपवॉर्म का ही जो साइंटिफिक नेम है डेट इज टीनिया। तो टेपवॉर्म का बॉडी हमको कैसा दिखता है, बहुत लंबा होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट होता है, मतलब सबके बॉडी में नहीं मिलेगा ये, जिसको टेपवॉर्म का इन्फेक्शन होगा उनके बॉडी में ही ये मिलेगा, और टेपवॉर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। तो सोचो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो इनकी बॉडी को देखोगे तो ये पूरा टेप के इतने लंबे होते हैं, और टेप जैसे फ्लैट से नहीं होते इंची टेप जो तुम टेलर के पास देखते होगे, तो वो उस तरह से बिल्कुल होते हैं फ्लैट, इसलिए इनका नाम ये फ्लैट प्लैटीहेलमिंथ्स के अंदर आते हैं, ठीक है। देखो इनका यहां पर ये सर टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको स्कॉलिक्स कहते हैं, इसको स्कॉलिक्स कहते हैं। यहां पर होता है रोस्टेलम, ठीक है। यहां पर बच्चों, यहां पर इनके हुक्स जैसे प्रेजेंट होते हैं और दो रो होती है हुक्स की, और इसमें 22 से लेकर 32 हुक्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर आपको चार होल से मिलते हैं, तीन मान लो आगे और एक पीछे, मतलब ओवरऑल आपको चार ऐसे होल जैसे मिलेंगे जिनको सकर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सकर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो इनकी बॉडी होती है यहां पर आपको सेगमेंट नजर आते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है ये, लेकिन जो ये सेगमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बताओ, ये सेगमेंट जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है, कौन बताएगा, आर दे सेगमेंटेड, ये सेगमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, जल्दी से बताओ।
काम करते हैं ना, अभी तो स्टार्ट किया ना टेप वर्म्स के बारे में पढ़ना, अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो पहले हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बताओ ये जो टेप वर्म होते हैं, ये जो टेप वर्म होते हैं, इनके पास जो सेगमेंटेशन होता है ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है? तो बेटा ये जो सेगमेंटेशन होता है ये फॉल्स होता है, क्योंकि ट्रू सेगमेंटेशन आपको बताया वो बस एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स में मिलता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा कि न्यू ये जो हर एक सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, इसको प्रोग्लॉटेड कहते हैं, प्रोग्लॉटेड कहते हैं, ठीक है। और इनके जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर नए नए सेगमेंट्स बनते रहते हैं, और बहुत ही सरप्राइजिंग बात ये है कि यहां से इनके सेगमेंट्स शेड ऑफ होते रहते हैं, मतलब गिरते रहते हैं, पुराने सेगमेंट्स यहाँ से गिरते रहेंगे और नए सेगमेंट्स यहाँ से बनते रहते हैं। तो कोई भी सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म ट्रू सेगमेंटेशन तब शो करती है जब उसके अंदर सेगमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो और वो शेड ऑफ ना हो। ट्रू सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स शेड ऑफ नहीं होते, समझ में आ रहा है? और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इनका जो हर एक प्रोग्लॉटेड है ना, वो हर एक प्रोग्लॉटेड के अंदर सारे ही ऑर्गन्स आपको मिलेंगे जो कि एक टेपवर्म के अंदर होना चाहिए। मतलब हर एक प्रोग्लॉटेड अपने आप में एक टेपवर्म है। जैसे यहां पर आपको टेस्टिस भी मिलेगा और ओवरी भी मिलेगा, और ये आपको हर सेगमेंट में मिलेगा, टेस्टिस ओवरी, समझ में आ रहा है? तो मतलब जितने भी ऑर्गन्स है ना वो हर सेगमेंट में मिलेगा, और हर एक सेगमेंट एक टेपवर्म रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है? तो इसका बॉडी नीचे से गिरता भी रहता है, पुराना जो सेगमेंट है वो शेड ऑफ भी होता रहता है, तो उससे टेपवर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हर एक सेगमेंट में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये रहता कहाँ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो इसलिए इसके पास, क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ ये टेपवर्म हमारी बॉडी से एनस के थ्रू रिलीज हो सकते हैं, इसलिए इनके पास होते हैं हुक्स, और ये हुक से हम लोगों के इंटेस्टाइन में चिपक के रहते हैं, ठीक है। ये हुक से हमारे इंटेस्टाइन में चिपक के रहते हैं, और ये सकर्स का क्या काम है? तो ये सकर से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं हमारे बॉडी से, यानी कि इंजेशन करते हैं, समझ में आ रहा है? ये जो टेपवर्म होते हैं इनके पास कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, और ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी है जो आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है, जो आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखेगा। तो अभी यहां पर सुन लो कि टेपवर्म के पास कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, और इसका जो न्यूट्रिशन होता है ये डायरेक्टली होस्ट के बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये टेपवर्म के बारे में हमको जानना था, ठीक है। अब देखो टेपवर्म के बारे में और क्या जानना है हमको, ठीक है। देखो टेपवर्म कैसा दिखता है, देखो इसके सकर्स ये प्रेजेंट है, सकर्स ये प्रेजेंट है, और देखो इनके हुक्स कैसे हैं, क्योंकि इनको हमारे इंटेस्टाइन में रहना होता है, ठीक है, तो इसलिए इनके पास ये हुक्स होते हैं ताकि ये हमारी बॉडी से क्लिंग करके रहें, और ये सकर्स प्रेजेंट है इनके बॉडी पे, ठीक है ना। अब स्पेशल फीचर्स हमने क्या देखा, स्पेशल फीचर्स हमने देखा है यही हुक्स एंड सकर्स, हुक्स एंड सकर्स, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा हमको टेपवर्म प्लैटी हेलमेंट्स के अंदर पढ़ना है वो है आपका लिवर फ्लूक। तो लिवर फ्लूक क्या होता है, फैशियोला, फैशियोला इज द लिवर फ्लूक, ठीक है। तो क्योंकि ये लिवर में रहते हैं इसलिए इनका नाम, और किसके लिवर में रहते हैं, शीप के लिवर में रहते हैं, शीप के लिवर में, शीप के लिवर में, ये लिवर को पूरा खराब कर देते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये शीप का, शीप जो है वो इनका पैरासाइट है, और ये शीप का एंडो पैरासाइट है, तो इनका नाम इसलिए लिवर फ्लूक या फिर फैशियोला है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, यहां पर आपको दिखता है, यहां पर एक सकर प्रेजेंट होता है जिसको ओरल सकर कहते हैं, ओरल सकर। इसके साथ ही साथ इसके यहां पर भी एक सकर प्रेजेंट होता है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, इस तरह से है ना, साइकिल के पहिए जैसी। तो इसका नाम क्या है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, मान लो कि ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है, अभी ये ऐसे खड़ा है, तो सामने का जो पार्ट है इसका ये वेंट्रल है, और पीछे का जो पार्ट है वो डॉर्सल है, जो सामने फेस कर रहा है ना वो वेंट्रल है, और जो पीछे की तरफ है जहां पर वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज डॉर्सल। और अगर ये मान लो ये इसको चॉकलेट चाहिए और इसको चॉकलेट नहीं मिली हो, तो ये जमीन पे लौट जाएगा ना कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए,
तो इसका वेंट्रल पार्ट नीचे आ गया क्योंकि आगे वेंट्रल है पीछे डॉर्सल है। अब ये जमीन पे लेट जाता है अगर इस तरह से, तो इसका वेंट्रल पार्ट नीचे चला गया और डॉर्सल पार्ट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह जो लिवर फ्लूक है उनके वेंट्रल पार्ट में, मतलब अंदर के साइड, ये डॉर्सल हो गया ऊपर का और नीचे वेंट्रल, अगर ऐसे लेट जाओ तो अपना वेंट्रल नीचे हो जाएगा ना, तो इसके वेंट्रल साइड पर एक सकर प्रेजेंट होता है जिसको वेंट्रल सकर कहते हैं, ठीक है। तो दो सकर प्रेजेंट है, ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर। ओरल सकर से ये क्या करेगा, इंजेशन करेगा। कहां पर ये रह रहा है, शीप के बॉडी में रह रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वहां से, तो ये न्यूट्रिशन कहां से सक करेगा, ओरल सकर से। और जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्लाइंड सैक होता है, और कैसा होता है, इनके पास भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब कि इनका एलिमेंट्री कैनाल यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, यही माउथ है और यही एनस भी है, मतलब इजेशन भी यहीं से होगा और इंजेशन भी यहीं से होगा। इसके साथ ही साथ इनके पास क्या है, वेंट्रल सकर है। तो हमने यहां देखा कि टीनिया यानी कि टेपवर्म के पास भी सकर है और लिवर फ्लूक के पास भी सकर है, इसके पास दो दो सकर है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर जो स्पेशल फीचर है हमारा वो क्या है, हुक्स एंड सकर्स। तो जो प्लानेरिया होते हैं ना उनके पास, टीनिया के पास हमने सकर देखा, तो इनके पास सकर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सकर्स की बात करें, सकर्स की बात करें तो वो टीनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लिवर फ्लूक के अंदर भी सकर प्रेजेंट थे और प्लानेरिया के पास भी सकर होते हैं। तो सकर का मेन काम क्या है, सकर का मेन काम है इंजेशन, इंजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर तुम हुक की बात करो, क्योंकि इनके पास हमको ये दो स्पेशल फीचर दिख रहे हैं, हुक्स एंड सकर्स, तो हुक्स बेटा प्लैटीहेलमिंथ्स में सबके पास नहीं होता है, ओनली टीनिया के पास होता है, लिवर फ्लूक के पास नहीं होता, प्लेनेरिया के पास भी नहीं होता। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, हुक्स तो हमने बस टेपवर्म के पास देखा, ये वाला हुक जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन से क्लिंग करके रहते हैं, इसलिए इनके पास क्या है, हुक्स है। तो हुक्स आपके टीनिया के पास है, लिवर फ्लूक के पास नहीं है एंड प्लेनेरिया के पास भी नहीं है। तो स्पेशल फीचर इतना क्लियर है सबको, अभी सब करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर इतना क्लियर है सबको, फिर आगे करते हैं। हाँ, फैशियोला हेपेटिका उसका नाम इसलिए क्योंकि वो लिवर रॉट डिजीज कॉज करता है। चलो हाँ, ये सब अभी करेंगे रुपेश कुमार, ठीक है। अब अगर डाइजेशन की बात करो, तो डाइजेशन में हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि इन दोनों के पास क्या होता है, सबसे पहली बात तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी किसके पास था, सिलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा के पास, यानी कि ब्लाइंड सैक, एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ वही एनस। तो इनके पास क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। अभी देखा ना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है और इसके पास भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही होता है। लिवर फ्लूक के पास कैसा होता है, देखो ऐसा है लिवर फ्लूक, इसका यहाँ पर ओरल सकर था, ये रहा। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान अगर प्लानेरिया का देखोगे तो प्लानेरिया कैसा होता है, प्लेन सा होता है उसका बॉडी, ठीक है। बट इसका माउथ ऊपर प्रेजेंट है ना, इसका माउथ यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है, और ये रहा इसका एलिमेंट्री कैनाल, ऊपर जाके वापस आ जाता है, ठीक है। और अगर टीनिया की बात करो तो दे लैक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दे लैक एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इनके पास होती ही नहीं है। तो होता क्या है, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, ये टेपवर्म कहां रह रहा है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, ऐसा सा है ये, ऐसा ऐसा है ना,
तो क्या होता है, हम जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हम जो फूड को सिंपलर पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, ये उसी को बहुत आराम से एब्जॉर्ब करता है। यानी ये हमारा जो हमने फूड डाइजेस्ट करके रखा है उसको चुराता है, उसी को अब्जॉर्ब करता है सकर्स के थ्रू। तो एलिमेंट्री के नाल देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहली बात तो प्लैटीहेलमिंट्स में इनकम्प्लीट होगी, लेकिन कुछ प्लैटीहेलमिंट्स के मेंबर ऐसे हैं जिनके पास एलिमेंट्री के नाल होता ही नहीं है, दैट इज योर टीनिया और टेपवर्म। तो ये देखो, ये पॉइंट एनसीईआरटी में भी लिखी है, यहां पर देखो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, यहां से देखो, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, क्योंकि ये पैरासाइट है तो इनको होस्ट के बॉडी में रहने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये अपने आप को कैसे मॉडिफाई करते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं इनके पास, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है तो इनको न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करना है, तो उसके लिए सकर्स हैं, और इसको अपने जो होस्ट है उसकी बॉडी से चिपक के रहना है, तो इसलिए इनके पास हुक्स भी होता है ताकि ये अपने जो होस्ट हैं उनसे चिपक के रहें। तो ये स्पेशल फीचर्स हैं इनके, सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर देखो, सम ऑफ देम एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सर्फेस। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने होस्ट के बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर देते हैं, ठीक है ना, यही तुम्हारा टेपवर्म है, ये डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम द होस्ट बॉडी। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, टीनिया के बारे में, ठीक है। आप बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो अभी तक जो ऑर्गेनिज्म थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एंटीनोफोरा, वो क्या करते थे, अपना नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर के थ्रू रिलीज करते थे, जनरल बॉडी सरफेस से रिलीज करते थे, ठीक है। लेकिन इनके पास फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स आ गए थे, ठीक है। तो इनके पास देखो, ध्यान से सुनना, प्लैटीहेलमिंट्स के पास सबसे पहले एक्सक्रीशन के लिए जो सेल डेवलप हुए थे वो फ्लेम सेल्स थे, बाकी इनके पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी फाइलम के ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्पेशल सेल्स नहीं थे। इसी फ्लेम सेल्स को हम कहते हैं सोलिनोसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। फ्लेम सेल्स को ही हम सोलिनोसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। अब इसका नाम फ्लेम सेल्स क्यों है, तो तुम इनको देखोगे, लिवर फ्लूक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, देखना एनसीईआरटी में गिवन है, लिवर फ्लूक है, फैसियोला। इनके बॉडी में यहां पर तो ओरल सकर है, ठीक है, ओरल सकर है, यहां पर इनका वेंट्रल सकर होता है। इसके साथ ही साथ बेटा देखो, यहां पर इनके पास एक्सक्रीटरी पोर होता है। देखो, एनस और एक्सक्रीशन, इजेशन और एक्सक्रीशन में कंफ्यूज मत होना। इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज करते हैं हम बॉडी से, एक्सक्रीशन में हम नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज करते हैं। अगर ह्यूमन की बात करो तो इजेशन हम एनस के थ्रू करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज करते हैं, और एक्सक्रीशन हम यूरिन के थ्रू करते हैं जिसमें हम नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज करते हैं। तो इनके पास यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है, और यहां पर होते हैं फ्लेम सेल्स। देखो, यहां पर होते हैं इनके फ्लेम सेल्स। अब ये फ्लेम सेल्स को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आग लग रही है, इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आग जला हुआ है, इसलिए इनका नाम क्या होता है, फ्लेम सेल होता है। और इसके थ्रू ये अपना एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू अपना जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है फ्लेम सेल्स के बारे में। तो देखो, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन तो तुमने कर दिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिलीज कर दिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज रिलीज्ड। अब क्या है, सेकेंड है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, हम जैसे ह्यूमंस में भी जो किडनी होती है ना हमारी, वो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। तो ऑस्मोरेगुलेशन में हम बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट का जो बैलेंस है ना उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इज मेंटेन्ड।
अगर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस नहीं मेंटेन रहेगा तो हाई बीपी लो बीपी जैसे चांसेस हो सकते हैं. इसलिए हम लोगों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होता है जो कि बहुत ही हायर एडवांस्ड जो प्रॉपर्टी है ऑस्मो रेगुलेशन. बट तुम सोचो ऑस्मो रेगुलेशन फ्लेम सेल्स की वजह से प्लैटी हेलमेंट्स के अंदर भी होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सक्रीशन. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मोस्टली ये सेक्सुअल होते हैं. ठीक है, और कुछ एसेक्सुअल भी होते हैं. जैसे देखो पूरी एनसीईआरटी में तीन ही एग्जाम्पल पढ़ना है प्लैटी हेलमेंट्स का, तो हम भी तीन ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे. बार बार आपको टेपवर्म से मिलना पड़ेगा, बार बार आपको प्लेनेरिया से मिलना पड़ेगा, और बार बार आपको लिवर फ्लूक से मिलना पड़ेगा. तो रिप्रोडक्शन भी जब हम देखेंगे तो टीनिया में देखेंगे, यानी टेपवर्म में, फेशियोला में यानी लिवर फ्लूक में, और प्लेनेरिया में. तो प्लेनेरिया से तुम लोग बचपन से मिल चुके हो ना, यही प्लेनेरिया है. टेंथ क्लास में भी पढ़ा है ना, ये टेंथ क्लास का ही है. ठीक है, तो प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर ये प्लेनेरिया तीन पार्ट में कट हो गया तो ये तीनों पार्ट से न्यू प्लेनेरिया बन जाता है. देखो कितना डेविल है ये. अगर ये तीन पार्ट में कट गया तो हर तीनों पार्ट से न्यू प्लेनेरिया बन जाता है, यानी यहां पर हर पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है. तो इट इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन आपको यहां पर मोस्टली सेक्सुअल मिलेगा, बट एसेक्सुअल भी मिलता है. और एसेक्सुअल किसके अंदर मिलेगा, प्लेनेरिया के अंदर मिलेगा. ठीक है, अब सेक्सुअल किसके अंदर मिलेगा, तो सेक्सुअल भी दो टाइप का होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन. अगर एक ही बॉडी में, अगर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो मेल एंड फीमेल गैमिट एक ही बॉडी में बन रहा है, तो वहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का चांस है. और अगर वो ऑर्गेनिज्म डायोसियस है, मतलब मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में, अलग अलग बॉडी में गैमिट्स बन रहे हैं, तो वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी. सेल्फ तो हो ही नहीं सकता है. तो यहां पर सेल्फ होता है, तुम लोग खुद सोच सकते हो किसके अंदर सेल्फ होता होगा. तो तीन ही एग्जाम्पल है, टेपवर्म, प्लेनेरिया और फेशियोला. तो जो टेपवर्म होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए सेल्फ. और तुमको क्या बताया कि इनके टेपवर्म में क्या बताया था, हर सेगमेंट में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टेस्टिस, ओवरी, सब सारे सेगमेंट्स में प्रेजेंट है. तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर हो जाता है, और जायगॉट बन जाएगा यहीं पर, एग बन जाएगा यहीं पर. ठीक है, एग बन जाएगा यहाँ पर. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग्स यहीं पर बन जाते हैं. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेगमेंट्स के अंदर ही, क्योंकि जो तुम्हारा ये ऑर्गेनिज्म है ये हर्मोफ्रोडाइट है और इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है. ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर देखा हमने, सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा हमने टीनिया या टेपवॉर्म में. ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा हमने टीनिया और टेपवॉर्म में. क्रॉस फर्टिलाइजेशन हम प्लेनेरिया में भी देखते हैं. तो प्लेनेरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो शो करता ही है, साथ ही साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करता है. सॉरी, प्लेनेरिया जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो शो करता ही है, साथ ही साथ एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी शो करता है. तो ये था रिप्रोडक्शन. आप देखो क्या होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. तो रीजनरेशन कैपेसिटी यही है कि हर फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है. ठीक है, इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा. देखो प्लेनेरिया अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते भी हैं तो ये क्या करते हैं, प्लेनेरिया क्या करते हैं, देखो ये एक प्लेनेरिया आता है और ये दूसरे प्लेनेरिया के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है इस तरह से. ठीक है, और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है. तुमने टेपवर्म में देखा बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है. देखो यहां पर टेपवर्म में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है. टेस्टिस एंड ओवरी से, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, ओवरी से एग, फर्टिलाइजेशन होगा यहां पर. ठीक है, और लार्वाज यहां पर बन जाएंगे तुम्हारे. ठीक है, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इंटरनल हो रहा है. तो इनका फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और यहां पर बहुत सारे लार्वल स्टेजेस हमको देखने मिलेंगे. ठीक है, हाँ, प्लेनेरिया जो है वो मरते नहीं है, हर एक फ्रैगमेंट से नया प्लेनेरिया बन जाएगा. इसीलिए कहते हैं इनके पास
हाईएस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। हर एक पार्ट जो प्लेनेरिया का है वो न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसको कैसे लर्न करना है। तो जैसे पॉरीफेरा में हमने ट्रिपल आई करा था, वैसे यहां पर हम डबल आई करेंगे। तो एच फॉर हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि हमने देखा यहां पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है, तो ये हर्माफ्रोडाइट है। आई फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पर हमको वेरियस लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे लार्वल स्टेज के बारे में, अभी फिलहाल हम अब इसका नर्वस सिस्टम देखेंगे। तो देखो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे पहले तुम्हारे ऑर्गेनिज्म आए थे जो कि पॉरीफेरा थे, उनके पास तो नर्वस सिस्टम था ही नहीं, नर्व सेल्स नहीं थे उनके पास। हाइड्रा यानी कि सीलेंट्रेटा के में हमने सबसे पहले नर्वनेट प्रोड्यूस होता हुआ देखा था, नर्वनेट था ना उनकी बॉडी में, तीनों फोरा में भी नर्वनेट प्रेजेंट थे। और कैसे न्यूरॉन्स थे, एपोलर न्यूरॉन्स थे। अब जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम प्लैटीहेलमिंथ्स में आएगा वो थोड़ा सा एडवांस है कंपेयर टू पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो इनके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है वो देखो कैसा होता है। अगर तुम एक प्लैनेरिया की बॉडी को देखो, तो ये इसका डॉर्सल पार्ट है ऊपर का, और ये इसका वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। लार्वा से क्वेश्चन पूछते नहीं है, ठीक है ना, और ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो लार्वा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात लास्ट में करेंगे, पहले ये देखो नर्वस सिस्टम कैसा था। नर्वस सिस्टम अभी हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं प्लैटीहेलमिंथ्स के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर सेफलाइजेशन हो गया था, मतलब हेड का फॉर्मेशन हो गया था। तो यहाँ पर जो इनके हेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है, एक्चुअली में ये हेड नहीं है बट हेड जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, हमें ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने मिले थे, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन देखने के लिए मिले थे हमको यहाँ पर। तो न्यूरॉन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने के लिए मिल गए थे, और यहाँ न्यूरॉन से निकल रहा है तुम्हारा एक्सॉन और ये टर्मिनल, ठीक है। तो यही जो साइटोन है ना तुम्हारा, ये जो पूरा यहाँ पर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का सेल बॉडी है, वही मिलकर यहां पर गैंग्लिया फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो गैंग्लिया फॉर्म करते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड गैंग्लिया। अब क्या होता है, देखो यहां पर तुमको इसके एग्जॉन्स यहां तक एक्सटेंड हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ हमको गैंग्लियॉन्स यहां पर भी दिखाई देते हैं, यहां पर भी दिखाई देते हैं, और यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। और एग्जॉन इस तरह से इनका अटैच रहता है, इस तरह से इनका एग्जॉन क्या होता है, अटैच रहता है। ये इनका सेल बॉडी है देखो, ठीक है, ये सेल बॉडी है और एग्जॉन इस तरह से अटैच रहता है। तो इस तरह से तुमको क्या एक सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, लैडर लाइक अपीयरेंस। तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक, सीढ़ियों जैसा। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ियों जैसा। तो हमको यहां पर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम दिखता है। और ये नर्वस सिस्टम है किस साइड पर, तो वेंट्रल साइड पर। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमको इनका दिख रहा है वो कैसा है, एक तो डबल है, डबल है ना, तो डबल सॉलिड होता है ये पूरा, कैसा होता है, सॉलिड, डबल सॉलिड वेंट्रल साइड पे है और गैंग्लिएटेड है, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉर्डेट, सारे नॉन कॉर्डेट्स के जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, डबल सॉलिड वेंट्रल एंड गैंग्लिएटेड। इनको याद कैसे करना है, डीएसवीजी से याद कर लेना है इसको, इसको DSVG से याद कर लेना, डबल सॉलिड वेंट्रल गैंग्लिएटेड। तो नॉन कॉर्डेट्स के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, डबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं एंड गैंग्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो ये इसका नर्वस सिस्टम है। अब नर्वस सिस्टम पॉरीफेरा के अंदर हमने क्या देखा, एब्सेंट था। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर हमको नर्व नेट मिला था,
और इसके अंदर न्यूरॉन्स कैसे थे, ए पोलर न्यूरॉन, और प्लैटी एलिमेंट्स एंड अदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर कैसा हमको मिल रहा है, डबल वेंट्रल सॉलिड एंड गैंग्लियोनेटेड, ठीक है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम हमको प्लैटी हेलमेंट्स एंड अदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एसके हेलमेंट्स। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखो अब थोड़ी देखो अब थोड़ी बहुत बात करेंगे हम कि आखिर टेपवर्म हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे। तो देखो टेपवर्म जो है, यहाँ पर टेपवर्म के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इनके बारे में। बस एक स्टोरी की तरह सुन लो कि आखिर ये टेपवर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता कैसे, ये सरप्राइजिंग है कि नहीं, टेपवर्म हमारे बॉडी के अंदर कैसे पहुंच जाता है। तो देखो टेपवर्म जो है वो जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इनका जो बॉडी है वो पीछे से इनका प्रोग्लॉटिड सेट ऑफ होते रहता है, इसको एपोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा है, बॉडी शेड ऑफ हो रहा है, तो जो कि ये एग्स जो है ना कहां से रिलीज होगा, हमारे पूप से, ह्यूमन पूप से, क्योंकि ये ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट है, तो ह्यूमन के पूप से इनका क्या होगा, ये एग्स रिलीज हो जाएगा ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर, हम जो डेफिकेट कर रहे हैं उसके अंदर ये एग्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो तुम किसी भी फ्रूट को या फिर उसको सैलेड वगैरह को बिना धोए खाते हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से एक और डिजीज होती है जिसको एस्कैरियसिस कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इस पूप को, यहां पर वो ह्यूमन वाली चीज नहीं है, यहां पर मान लो ह्यूमन ने एक्सक्रीट करा, तो अब वो एक्सक्रीटा में ये एग्स चले गए। अब इसको आके कोई शीप खाती है, सॉरी पिग, इसको कौन खाता है, पिग, पिग जो होता है ना, पिग देखा है ना क्या क्या खाता है, गंदी गंदी चीजें खाता है ना पिग। तो जैसे मान लो किसी ने एक्सक्रीट किया जिसके एक्सक्रीटा में इसके एग्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो इसके एग्स अब आ गए पूप में, मान लो ये ह्यूमन के बॉडी में प्रेजेंट था, तो ये टेपवर्म के एग्स आ गए कहां पर, उसके पूप में। अब उसको पिग खाएगा, ठीक है, अब उसको पिग खाएगा, तो यहां पर हमने क्या देखा, ह्यूमन के पूप में एग प्रेजेंट है टेपवर्म का, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको मान लो पिग ने खाया, पिग खाया, तो ये पिग के एलिमेंट्री कैनाल में जाता है पहले, ठीक है, पिग के एलिमेंट्री कैनाल में चला गया। पिग के एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद अब ये पिग के मसल्स में चला जाता है, इट एंटर्स मसल्स ऑफ पिग। अब ये पिग के मसल में चला गया, अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग उस पिग को खाते हैं। तो अगर तुमने अनकुक्ड पिग खाया, अनकुक्ड या फिर हाफ कुक्ड, मतलब बहुत अच्छे से कुक नहीं किया है, तो उस पिग के मसल्स में वो तुम्हारे टेपवर्म के सारे लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब कोई ह्यूमन बीइंग उसको खाता है, अनकुक्ड खाता है, तो उसके बॉडी में भी उसका लार्वा चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो टेपवर्म है उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, उसको कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए ना पैरासाइट, एक तो चाहिए तुम्हारा ह्यूमन की अगर बात करो तो ह्यूमन, और दूसरा चाहिए पिग। तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो मोनोजेनेटिक नहीं बल्कि डाइजेनेटिक होता है, और इसके अंदर प्राइमरी होस्ट क्या हुआ, तो जिसके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो प्राइमरी होस्ट होगा। तो ये जो टेपवर्म हम लोग की बॉडी में था, इसी के अंदर तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है टेपवर्म का जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन, क्योंकि इसी के अंदर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अगर सेकेंडरी होस्ट की बात करो तो दिस पिग जो है ये इसका सेकेंडरी होस्ट होगा। तो अनकुक्ड पिग अगर खाते हो तो इस तरह से टेपवर्म का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। राजा साहब छी, और किसको छी लग रहा है, ये छी तो है। सुलेखा कुमारी गुड इवनिंग, सुलेखा तुम बहुत लेट नहीं हो,
चलो, तो इस तरह से हमारा प्लैटी हेलमेंट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्लैटी हेलमेंट्स के, तो एग्जाम्पल आपके बेटा तीन हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एक तो प्लानेरिया था, प्लानेरिया के बारे में रीजनरेशन की बात करी है एनसीईआरटी में, तो एक प्लानेरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावे हाँ मत खाया करो, ठीक है। इसके अलावे क्या है, टेप वॉर्म है, इसी को टीनिया बोलते हैं, टेप वॉर्म टीनिया फैसियोला इज लिवर फ्लूक। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इतनी बार टीनिया टेप वॉर्म बोला है और फैसियोला लिवर फ्लूक बोला है कि याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा एस्केलमेंट्स, तो इसका नाम एस्केलमेंट्स क्यों है? अब क्योंकि प्लैटी हेलमेंट्स क्रॉस सेक्शन में फ्लैट दिख रहे थे तो उनका नाम प्लैटी हेलमेंट्स था। इनके क्रॉस सेक्शन में ये सर्कुलर दिखते हैं, देखो कैसे दिखते हैं, ये दिख रहा है, इसको काटोगे यहां से तो ये राउंड दिखेगा, ऐसा क्रॉस सेक्शन इसका राउंड दिखेगा, तो इसलिए हम इनको एस्केलमेंट्स कहते हैं। हेलमेंट्स का वापस से मतलब होता है वॉर्म, तो ये भी पैरासाइट होते हैं। तुम सोचो प्लैटी हेलमेंट्स और एस्केलमेंट्स, ये दोनों जो है ना ये पैरासाइट्स होते हैं, तो ये दोनों हम लोगों के लिए हार्मफुल है, ठीक है। फिर एनिलिडा से सही है, वो पैरासाइट्स तो होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो इनके पास क्या है, द बॉडी ऑफ एस्केलमेंट्स इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म्स। दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो अभी जो हमने प्लैटी हेलमेंट्स पढ़ा था वो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर रहे थे ना, बट अब जो एस्केलमेंट्स आ गया वो और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया है, वो एनिमल्स को तो अफेक्ट करता है ये, इसके साथ साथ प्लांट को भी अफेक्ट करता है। तो इसके अगर हैबिट और हैबिटेट की हम बात करें तो दे कुड बी एक्वेटिक, पानी में मिलेंगे, फ्री लिविंग भी रहते हैं एंड पैरासिटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। तो अगर पैरासाइट की बात करो तो ये प्लांट के बॉडी, प्लांट भी इनके होस्ट होते हैं और एनिमल भी इनके होस्ट होते हैं। प्लांट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों को क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। ये जो एस्केलमेंट्स होते हैं ना इनको हम निमेथेलमेंट्स भी कहते हैं, निमेट हेलमेंट्स, ठीक है। निमेट का मतलब होता है थ्रेड, तो ये पतले पतले से थ्रेड जैसे वॉर्म होते हैं इसलिए इनको हम निमेट हेलमेंट्स भी कहते हैं। तो अब देखो जो ये प्लांट होता है ना, इन प्लांट के अंदर पैरासाइट होता है मेलोडिगोइन इनकॉग्निटा, मेलोडिगोइन इनकॉग्निटा। तो ये जो मेलेडिगोन इनकॉग्निटा है ये एक निमेटोड है, मतलब एस्केलमेंट्स के अंदर ही आता है। और ये कहाँ पर, ये टबैको प्लांट इसका होस्ट है और ये टबैको प्लांट को एक डिजीज कॉज करता है जिसको कहते हैं रूट नॉट डिजीज ऑफ टबैको। तो ये इस चैप्टर में तो नहीं गिवन है बट आपको क्लास 12 में पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्केलमेंट्स जो होते हैं वो प्लांट भी उसके होस्ट होते हैं, मतलब वो पैरासाइट हैं प्लांट्स के भी, और क्या रूट नॉट डिजीज कॉज करते हैं, कहाँ पर, टबैको में। इसके साथ ही साथ अगर एनिमल की बात करो तो एनिमल जो होते हैं वो तुम्हारे, जो एनिमल के पैरासाइट हैं वो है स्कैरिस, हुकवॉर्म्स एंड वुचरेरिया। तो हम अभी एस्केलमेंट्स में यही सब पढ़ेंगे, स्कैरिस के बारे में पढ़ेंगे, वुचरेरिया के बारे में एंड हुकवॉर्म के बारे में। जैसे हमने प्लैटी हेलमेंट्स में किसके किसके बारे में पढ़ा, टेपवॉर्म, फैशियोला एंड प्लानेरिया, तो अब हम बार बार स्कैरिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्कैरिस सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है एस्केलमेंट्स में, ठीक है ना। साइंस भारत, टाइम पता नहीं था, टाइम 6:30 है, ठीक है ना, नोट द टाइम, इट इज 6:30 to 8, है ना। तो हैबिट एंड हैबिटेट देख लिया हमने, अब बेसिक फीचर्स की बात करो तो जैसे हम सारे फाइलम में करते हैं, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, क्या होगा बताओ, ऑर्गन सिस्टम यहां पर आ गया फर्स्ट टाइम, ऑर्गन सिस्टम, अभी तक क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, सिमेट्री देखोगे तो बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो चुका है प्लैटी हेलमेंट से, इनके अंदर भी हमको बायलेटरल सिमेट्री मिलता है। सेगमेंटेशन की अगर बात करोगे तो सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होता है,
अब हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। तो सबको याद होगा कि ये जो होते हैं इन इनके पास सीलोम होता है कि नहीं होता। एस्केलमेंट्स के पास सूडो सीलोम होता है, याद है सबको। एस्केलमेंट्स ए एस एस सौ से प्रोनंसिएशन हो रहा है और सौ से हम सूडो को भी प्रोनंसिएशन करते हैं ना, तो डेट्स वाई मतलब एक याद करने का तरीका है कि सीलोम जो है इनके पास सूडोसीलोमेट्स होते हैं ये, ठीक है। सूडोसीलोमेट्स होते हैं और सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं के पास आया था। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो इनका बॉडी प्लान है वो कैसा था, ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये अगर जर्म लेयर्स की बात करो तो देव ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब देखो अगर तुम इनके सीलोम को देखोगे, अगर तुम एक एस्केलमेंट्स को लाओ, ठीक है, मान लो स्कैरिस को लाओ और इसको कट कर दो तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऐसा कैसा दिख रहा है, ये माउथ है इसका, ठीक है, और ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये माउथ हो गया और ये इसका एनस हो गया, ठीक है। ये बॉडी वॉल हो गई, ये गट वॉल हो गई। तो इसके अंदर हमको बच्चों कैविटी दिखता है, बट कैविटी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके कैविटी में हमको क्या दिखेगा, ये तो बॉडी वॉल है ही सही, ये बॉडी वॉल है इसकी, ये बॉडी वॉल है, ठीक है, और अंदर येलो से गट वॉल है। और जो मेसोडर्म इसमें आया था वो ऐसे पाउचेज में प्रेजेंट था, याद है ना सबको, मेसोडर्म कैसे पाउचेज में प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, सीडोसीलोमेट्स हैं। तो यहां पर हमको पाउचेज में मेसोडर्म मिलेगा, मिलेगा तो बट ऐसे पाउचेज में मिलेगा, इसलिए ये क्या है, सीडोसीलोमेट्स हैं, ठीक है ना। बेसिक फीचर्स क्लियर है सबको। मेडिकल स्टूडेंट यू आर आल्सो लेट, कहां पर डाउट है, साइंस भारत। चलो राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलिटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। सूडोसिलोमेट देख लिया ना तुमने। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करोगे तो ये कंप्लीट होता है, मतलब माउथ भी प्रेजेंट है और इनके पास एनस भी प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर एक राउंड वॉर्म को उठाओ, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक है। एक स्कैरिस को लो अगर, ठीक है, तो यहां से इनका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से, और ये एनस पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका माउथ भी है, और बड़ा बनाते हैं, माउथ तो है ही, इसके साथ इनके पास एनस भी है। और देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब प्रेजेंट है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो इसके अंदर एक बहुत खास चीज है, फैरिंग्स हम लोगों के अंदर प्रेजेंट है ना, और हम बहुत डेवलप ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही एडवांस ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स, इनके पास भी फैरिंग्स था जो कि वेल डेवलप था और मस्कुलर था। मतलब इनके अंदर जो फैरिंग्स था, बाकी एलिमेंट्री कैनाल तो है ही इनके पास, बट इनका जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स, ये पॉइंट याद रखना कि इनका जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स इज वेल डेवलप्ड मस्कुलर। इनके फैरिंग्स क्या है, वेल डेवलप्ड होने के साथ साथ मस्कुलर भी है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। अब इनके पास एक्सक्रीशन की बात करो तो लास्ट जो प्लैटी हेलमेंट्स थी उसके अंदर हमको फ्लेम सेल्स मिला था, एस्क हेलमेंट्स के अंदर हमको रिप्रोडक्शन के लिए
क्या होगा, देखो और भी डेवलप थोड़ा सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अनुराग किशोर सिन्हा, चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम इसका देखेंगे। तो प्लैटी हेलमेंट्स में हमने देखा फ्लेम सेल्स, अब यहां पर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं क्या देखते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे फ्लेम सेल्स थे प्लैटी हेलमेंट्स में, तो यहां पर रेनेट सेल होते हैं, रेनेट सेल, ठीक है। और ये एच शेप के होते हैं, देखो ये कैसे होते हैं, एच शेप के। तो अगर तुम एक स्कैरिस को ले लो, राउंड वॉर्म को, ठीक है, स्कैरिस को ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए देखो एच शेप का इस तरह का रेनेट सेल होता है, एच के शेप का होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एच शेप रेनेट सेल होता क्या है, यहां पर एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर, और यहां पर ये प्रेजेंट है ट्यूब। तो क्या होता है, जो तुम्हारे बॉडी का मतलब ये जो एस्केलमेंट्स के बॉडी से ब्लड बॉडी फ्लूइड यहां पर एंटर करते हैं और ये एक्सक्रीटरी ट्यूब से होते हुए यहाँ एक्सक्रीटरी पोर से रिलीज हो जाते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए हमें यहां पर क्या मिलता है, एच शेप रेनेट सेल मिलता है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर दोनों यहां पर प्रेजेंट है। देखो यहां पर एक्सक्रीशन के बारे में क्या लिखा है, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट है एंड एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट है, और जो सेल्स इसमें हेल्प करते हैं वो क्या है, एच शेप्ड रेनेट सेल, ठीक है। अब यहां पर हम अगर सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस की बात करें, तो देखो यहां पर क्या होता है, तुमको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलेगा। आपको बताया था डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है मींस तुम सेक्सुअली देखकर बता सकते हो कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। जैसे ह्यूमन के अंदर भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, फीमेल को देख के तुम बता सकते हो कि शी इज फीमेल, एंड मेल को तुम एक्सटर्नली देख के बता सकते हो कि ही इज मेल। तो वैसे ही तुम एस्केलमेंट्स में, ये जो एग्जाम्पल है ये स्कैरिस का है, तो एस्केलमेंट्स में हमको सबसे ज्यादा स्कैरिस के बारे में ही एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। तो स्कैरिस जो है इसके अंदर जो मेल होता है वो अलग दिखता है और जो फीमेल होती है वो अलग दिखती है। तुम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये मेल स्कैरिस है और ये फीमेल स्कैरिस है। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके साथ ही साथ अगर तुम देखो अभी तक प्लैटी हेलमेंट्स तक हमको सारे हर्मोफ्रोडाइट मिल रहे थे, मतलब सेक्सेस वेर नॉट सेपरेट, लेकिन अब तुमको मेल अलग दिख रहा है और फीमेल अलग दिख रही है, मींस जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के बॉडी में प्रेजेंट है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट है। तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो डायोसियस हो गए, मोनोसियस मतलब एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, बट डायोसियस जिसमें अलग अलग प्रेजेंट होता है। तो यहां से तुमको अगर रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो दे आर डायोसियस, और हमको यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर है सबको, मतलब तुम देखकर बता दो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, बाहर से देखकर बता दो कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो यही कहलाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब देखो हमको यहां पर क्या दिख रहा है, जो मेल होता है उसका हाइट कम है, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है मेल ज्यादा टॉल होते हैं, बट यहां पर उल्टा है, मेल ही शॉर्ट पर गए, फीमेल देखो कितनी लंबी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज पॉइंट करने वाली क्या है कि मेल का जो बॉडी है वो नीचे यहां से कॉइल्ड हो गया है ना, यहाँ पे कॉइल्ड हो गया, बट यहां पर हमको कोई कॉइल नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है।
तो मेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फीमेल से? मेल जो होता है उसकी हाइट, मतलब उसकी जो लेंथ है वो कम होगी, फीमेल की ज्यादा होगी, और जो मेल है वो नीचे से कॉइल्ड होता है. क्यों कॉइल्ड होता है? इसको फीमेल को होल्ड करना होता है, इसलिए ये कॉइल्ड होता है. इतना क्लियर है सबको? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या सबको? काइंडली टेल, आवाज आ रही है सबको? थम्स अप कर दो इफ आवाज आ रही है तो. अजीत कुमार, थैंक यू. ठीक है, तो देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, क्यों आखिर मेल की बॉडी नीचे से कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि उसको फीमेल को होल्ड करना होता है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे मेल और फीमेल की बॉडी बिल्कुल अलग अलग करके. तो ये पहले हम मेल की बात करते हैं, ठीक है ना? यहां पर फीमेल फर्स्ट नहीं है, यहां पर मेल फर्स्ट है. ठीक है, ठीक है ना? मेल फर्स्ट है यहां पर. खुश है सब? यहाँ पर फीमेल फर्स्ट नहीं, मेल फर्स्ट है. ठीक है, तो पहले हम मेल स्कैरिस की बात करते हैं. तो मेल स्कैरिस की बॉडी को देखो, तो इसका बॉडी क्या होता है? कॉइल्ड होता है यहाँ पर. ठीक है, अब देखो एक चीज होती है, इसका जब मेल का यहाँ से बॉडी कट करके हम यहाँ देखते हैं. ठीक है, मेल का बॉडी तुमने यहाँ से कट कर दिया, और अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा जूम इन करके देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर एक होल प्रेजेंट होता है जिसको क्लोएका कहते हैं. तो क्या कहते हैं? क्लोएका. अब क्लोएका होता क्या है? तो जहां पर जर्म सेल्स और एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग सेम ही होता है, वही तुम्हारा क्लोएका कहलाता है. तो क्लोएका क्या है? जहां पर एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, और ये मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एंड तुम्हारे गैमिट जहां से ट्रेवल होके आएंगे उनकी ओपनिंग सेम होती है, उसी को क्लोका कहते हैं. तो यहां पर हमको यही दिखता है, एलिमेंट्री कैनाल हमेशा फीमेल फर्स्ट होती है ना, बट यहां पर मेल फर्स्ट है. ठीक है, खुश हो सारे मेल्स? खुश हो? देखो यहां पर, तो इनके पास जो ओपनिंग होता है वो क्या कहलाता है? क्लोका कहलाता है. क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल भी इसी ओपनिंग में ओपन होती है, और जो तुम्हारा स्पर्म आ रहा है वो भी इसी से बाहर आएगा, तो इसलिए ये इस ओपनिंग को क्लोका कहते हैं. तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है, और ये जो तुम्हारा ओपनिंग है वो स्पर्म यहां से आ रहा है. ठीक है, तो यहां से स्पर्म ट्रेवल करके आएगा, और यहां पे अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड. तो अनडाइजेस्टेड फूड और स्पर्म दोनों एक ही ओपनिंग से ओपन हो रहे हैं, इसलिए दैट इज कॉल्ड क्लोका. तो मेल के पास यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? क्लोका प्रेजेंट होता है. इसके साथ ही साथ यहां पर इसका जो एंड होता है, एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, यहां पर एनसीईआरटी में ध्यान से देखना, दो ऐसे इस तरह से सुई जैसी बनी हुई है, ऐसे दो सुई जैसे बनी हुई है जिसको पीनियल सीटा कहते हैं. क्या कहते हैं? पीनियल सीटा. इनका क्या काम है? जब ये फीमेल को होल्ड करते हैं ना, तो फीमेल के बॉडी में वहां पर एक पोर होता है, गोनोपोर उसको कहते हैं. तो गोनोपोर को ओपन करके यहां क्लोका से स्पर्म इंसर्ट करने के लिए वहां पर क्या होता है? पीनियल सीटा प्रेजेंट होता है. तो ये मान लो एक तरह से की है जो कि गोनोपोर को ओपन करती है. ठीक है, तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो इनका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो इनका. तो इनका क्या है? माउथ यहां से स्टार्ट हो रहा है, और एनस यहां पर है. ये एनस है, और ये इसका क्या है? माउथ है. तो इसके पास एनस प्रेजेंट है, मेल के पास क्लोका प्रेजेंट था. तो अनडाइजेस्टेड फूड यहां से बाहर होगा,
अनडाइजेस्टेड फूड। अब तो यहां पे मेल जो है वो स्पर्म कहां से फीमेल के बॉडी में इंसर्ट करेगा, तो उसके लिए यहां पर एक पोर होती है जिसको गोनोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोपोर। तो जो पीनियल सीटा है, जो मेल आता है, वो यहीं पर पीनियल सीटा के थ्रू क्या करता है, ये पीनियल सीटा से ओपन करेगा इसकी गोनोपोर को, फिर स्पर्म रिलीज करेगा गोनोपोर के अंदर। समझ में आ रहा है? तो जो मेल होता है बच्चों, उनके पास क्लोका होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड एंड स्पर्म दोनों उसी ओपनिंग से रिलीज होंगे। एंड जो फीमेल होती है उसके पास माउथ होता है और एनस होता है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है, और गोनोपोर होता है जिससे स्पर्म इंटर करेंगे। समझ में आया? तो ये होता है इनके अंदर फीमेल और मेल की बॉडी में। इतना क्लियर है सबको? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल एंड फीमेल स्कैरस, एनसीईआरटी का डायग्राम, ये वाला समझ में आ गया ना सबको? यहां पर देखो गोनोपोर होता है फीमेल के बॉडी में, ये इसका एनस है और ये इसका माउथ है, और यहां पर क्या है मेल के बॉडी में? क्लोका प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना एनसीईआरटी से याद रखो, इतना बहुत है। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे पॉरीफेरा में हमने ट्रिपल आई के साथ हाई किया था, प्लेटी एलिमेंट्स में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एच को डबल आई के साथ हाई किया था, टीनोफोरा में हमने चीज से याद करा था, वैसे ही यहां पर दीदी से याद करना होगा आपको, क्योंकि यहां पर फीमेल स्कैरस जो है वो बहुत गोनोपोर उसके पास अलग है, उसके पास एनल ओपनिंग अलग है, इसलिए इसके ट्रिक याद रखना है, इसको दीदी से याद रखना है, डी आई डी आई, जहां पर डी स्टैंड्स फॉर डायोसियस, मतलब ये सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमको देखने मिलता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो क्या हो रहा था, जो मेल है वो पीनियल सीटे से गोनोपोर के अंदर रिलीज करता है स्पर्म, तो फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया बच्चों? इंटरनल हो गया। फिर डी से बात करो एंड आई से बात करो, तो इनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के डेवलपमेंट हमको मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो डी आई डी आई से याद रख लेना। अजीत कुमार, क्या डाउट है आपको? चलो, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर है। अब रेस्पिरेशन की बात करो, तो जो तुम्हारे एस्केलमेंट्स हैं वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, एंड नर्वस सिस्टम क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है, तो इनके अंदर भी हमको गैंग्लियनेटेड वेंट्रल एंड डबल नर्वस सिस्टम मिलेगा, यानी कि डीएसवीजी जो आपको याद करवाया, इनके अंदर भी हमको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर तुम बात करो स्कैरस की, ठीक है, तो स्कैरस के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे बच्चों। स्कैरस जो डायग्राम देके रखा है आपके एनसीईआरटी में, और थोड़ा सा वुचरेरिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्कैरस जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, और इसलिए ये एस्केलमेंट्स में रखा गया है। तो देखो ध्यान से सुनो, स्कैरस जो होता है, जैसे हमने टेपवॉर्म में देखा, वो डाइजेनेटिक होता है, मतलब दो होस्ट चाहिए उसको पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, बट स्कैरस जो होता है ये मोनोजेनेटिक होता है, मतलब एक ही होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लाइफ साइकिल कंप्लीट इन वन होस्ट, और जो कि तुम ह्यूमन का एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल इज ह्यूमन। ठीक है, तो स्कैरस जो होता है बच्चों, ये एक तो जो स्कैरस होता है वो मोनोजेनेटिक होता है, दूसरा ये जो डिजीज कॉज करता है उसको हम स्कैरिएसिस कहते हैं, स्कैरिएसिस। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से, ट्रिक समझ में आई सबको? ट्रिक समझ में आई सबको?
चलो देखो, स्कैरिस जो होता है एक डिजीज कॉज करता है जिसको स्कैरियसिस कहते हैं, ठीक है। ये मोनोजेनेटिक होता है, इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन के अंदर ये स्कैरियसिस कॉज करता है, ठीक है। अब इसका इन्फेक्शन हमको लगता कैसे, आखिर स्कैरियसिस किसी ह्यूमन को कैसे होगा? तो तुम जो फ्रूट्स खाते हो ना, या फिर जो वेजिटेबल्स खाते हो बिना धो के, तो उसमें इनके लार्वा प्रेजेंट होते हैं, जिनको अगर तुम बिना धुले खाओगे तो इनके लार्वा एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये इनका जो ये हमारी बॉडी में रहते कहाँ पर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहते हैं। देखो कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, देखो यहाँ पर ये स्कैरिस है जो, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये जूम करा हुआ पिक्चर है, इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं दिखते हैं। तो स्कैरिस देखो, स्कैरियसिस इस ह्यूमन बींग को हुआ होगा, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, समझ में आ रहा है? तो स्कैरिस देखो कितना खतरनाक एंडोपैरासाइट है ह्यूमन का, यू लाइक इट? ठीक है, तो देखो इससे होता क्या है हमको, जब ये स्कैरिस का इन्फेक्शन होता है तो यहां पर हमको डायरिया मिलेगा, मतलब जो पेशेंट है उसको डायरिया होगा, ठीक है। और क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है तुमको, ब्लीडिंग होगी तुमको, है ना। और ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन को ये बर्स्ट भी कर सकते हैं, तो ये इतने ज्यादा हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। देखो ये स्कैरिस को कैसे रिमूव किया हुआ है। तो कोई भी बच्चा अब बिना धुले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं खाएगा, कि कोई खाएगा? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ये तो चौमिन चौमिन लग रहा है ना, खा लो इसको, ठीक है। तो देखो स्कैरिस स्कैरियसिस कॉज करते हैं, और वो किस तरह से हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो ये था स्कैरिस के बारे में, स्कैरियसिस कॉज करता है, और इसमें हमको ये क्या क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉक कर सकता है, ये अपना इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देगा, डायरिया कॉज करता है, डायरिया, और इसमें हमको ब्लीडिंग भी नजर आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एनस के थ्रू ज्यादातर ये बच्चों को होता है, क्योंकि वो ज्यादा ध्यान नहीं रखते ना, कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ता है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या सैलेड को है ना, वॉश करके खाना चाहिए, ठीक है। तो ये एनस के थ्रू रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वुचरेरिया, जिसके बारे में हमको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी। तो वुचरेरिया जो है, इट कॉज फाइलेरियासिस, तो फाइलेरियासिस डिजीज ये कॉज करता है। इसके अंदर टू स्पेसीज आते हैं वुचरेरिया के अंदर, वुचरेरिया क्या है, जीनस है, टू स्पेसीज आते हैं इनके अंदर। तो इसका वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई। तो वुचरेरिया जो है वो फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, या फिर इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। तो इसमें जो तुम्हारा फूट है ना, वो एकदम बिल्कुल हाथी के जैसा हो जाता है, ठीक है। तुमने बहुत जगह इसके पिक्चर्स भी देखे होंगे, एनसीईआरटी में भी गिवन है इसका पिक्चर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चेक करना आज, ठीक है। तो ये डिजीज जो कॉज करते हैं उसका नाम एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस है। अब इसमें होता क्यों है, क्यों आखिर इतने हाथी जैसे तुम्हारे पैर हो जाते हैं? तो इसमें ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, खास करके लोअर लिम्ब वाले, और उसमें पूरा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, ये एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं। तो लिम्फ फिल्ड हो जाते हैं हमारे लोअर लिम्ब में, बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और जो अपियरेंस होता है वो हाथी के पैर जैसा होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया स्कैरिस के बारे में, अब इसके एग्जाम्पल्स हमको याद करने हैं। तो देखो तुमको ऐसे भी याद रह सकता है, वुचरेरिया डेट इज फाइलेरियल वॉर्म, स्कैरिस डेट इज राउंड वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा डेट इज हुक वॉर्म। तो इनके पास हुक्स प्रेजेंट होते हैं देखो ऐसे, और ये मान लो कोई खाली पैर जा रहा है ना,
मान लो कोई खाली पैर चलता है जैसे फार्मर्स वगैरह, तो ये हुक से होल करके उनके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखोगे, वो कार एंड साइकिल चलाता है, वो कार एंड साइकिल चलाता है, वो फॉर बुचरेरिया, ठीक है, सी ए आर फॉर एस्कैरियसिस, एस्कैरियसिस यहां पर कार आ रहा है ना, स्कैरियसिस, एंड साइकिल फॉर एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा, ठीक है। तो एनसाइलोस्टोमा तुम्हारे हुकवर्म है, स्कैरिस तुम्हारा राउंड वर्म है, एंड वुचरेरिया तुम्हारा फलेरियल वर्म है। तो इतना सबको क्लियर है राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिलिडा करेंगे, ठीक है, और आर्थ्रोपोडा करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ फाइलम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक, तो कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप लोग क्वेश्चंस करना, ठीक है ना, और जब चैप्टर पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ो ताकि नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस आपसे लगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। तो इतना क्लियर है सबको, बॉटनी भी स्टार्ट होगा ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर योर लव। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी जितना किया है उसको पढ़ो और पीछे का रिवाइज करते रहो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेडिकल स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में पूरी तैयारी के साथ आना है, ऐसे नहीं आना है, ठीक है ना। चलो